बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान की ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त पार्लियामेंट हाउस से यहाँ पे अपोजिशन के साथी हम लोग आपसे मुखातिब हैं। कहने को इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान हम लोग कहते हैं, कहने को ये हुकूमत कहती है कि इस्लामी प्रिंसिपल्स पे हम लोग हर किस्म का अमल कर रहे हैं। आज ख़वातीन व हज़रात, बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि ये हकूमत, इन्होंने बकायदा जो स्पीकर के सार्जेंट एट आर्म्स हैं, वो मौलाना साहब जिस वक्त तलावत कर रहे थे उनको वो बार बार चिटें दे रहे थे, कह रहे थे तलावत शॉर्ट करें। एक कोई तकरीर हो रही थी, उसके बाद उनको बार बार कहा जा रहा था कि नाते नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शॉर्ट करें। वजह क्योंकि 12 बजे के टाइम पे आपको चेंज ओवर करना पड़ता है और नया ऑर्डर ऑफ द डे लाना पड़ता है, तो उसके लिए अपनी नाअहली छुपाने के लिए ये हरकत आज पहली बार जिंदगी में मैंने ये देखी है। इसको हम लोग कंडेम करते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे डेप्यूटी स्पीकर साहब ने, शाह साहब ने, मैं उठ के मैं ये बात बोला था कि मुझे ये फ्लोर दिया जाए पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे और मैं पॉइंट आउट करूं। उन्होंने नहीं किया। कल भी हम लोग ये उठाएंगे पॉइंट, ना अहली इस हकूमत की है, ना अहली इन लोगों की है। इसको हमें कंडेम करना चाहिए। जिस वक्त अपोजिशन के राकीन ख्वातीन हज़रात ये पॉइंट उठाते हैं तो फिर हकूमत को तकलीफ होती है। इनको किसी चीज का डर नहीं है। हमारे मेंबर्स को उठाते हैं, ज़ैन कुरैशी साहब की अहलिया को उठाया, इनको कोई डर नहीं है अपनी आखिरत का। इन्होंने मिकदाद अली खान साहब को उठाया, इनको कोई डर नहीं है अपनी आखिरत का। हमारे मेंबर्स के घरों को तोड़ रहे हैं। आदिल खान बाज़ई के घर को क्वेटा में इस वक्त बुलडोजर्स पहुंचे हुए हैं उसको मिसमार करने के लिए। कल उनका 1 अरब रुपए का प्लाजा इन्होंने तोड़ा। इनको अपनी आखिरत का कोई डर नहीं। हमारे मुख्तलिफ मेंबरान को जदोकोब कर रहे हैं, झूठी FIRें लगा रहे हैं, अपनी आखिरत का इनको कोई डर नहीं। वजीर आजम इमरान खान साहब से आज हमारे साथी मिले, 5 दिन से उनके सेल के अंदर बिजली उन्होंने काटी हुई, जो उनका हक है ये चीजें प्रोवाइड करना। ये जालिम लोग हैं, ये जाबर लोग हैं, ये फैशिस्ट हुकूमत शहबाज शरीफ की, उनको दुनिया से उन्होंने काटा हुआ है। अखबार नहीं मिल रहा, टीवी नहीं। उनका हक है बहसियत वजीर, फॉर्मर वजीर आजम और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वजीर आजम। हम लोग इस चीजों को कंडेम करते हैं। मेरे साथी और मेरे मशर तहरीक तहफ़ आइन पाकिस्तान जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब और बैरिस्टर गौर साहब भी आपसे मुखातिब होंगे। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शायद मुख्तलिफ ज़ाविये से बात करूँ। हमारी तहरीक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हमने बनाई इसीलिए है, यह बनाई इसीलिए थी कि यहाँ एक जम्हूरी आईन हो, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो, हर इदारा फौजी हो या जजेस हो या प्रेस वाले हों, अपने फ्रेम में आज़ाद हों और सब सबसर्वियंट हो इलेक्टेड पार्लियामेंट को। इस किस्म की तरामीम अगर कोई लाना चाहता है, इसके लिए न डराने की ज़रूरत है, न किसी को भगाने की ज़रूरत है, न किसी के घर में घुसने की ज़रूरत है, न किसी को बेइज्जत करने की ज़रूरत है, न किसी को करोड़ों रुपए देने की ज़रूरत है। कब लाना चाहते हैं आएँ। अगर आप लाना चाहते हैं, पहली बात मैं महमूद की हैसियत से कह रहा हूँ, पहली बात यह है कि ये एक इलीजिटमेट असम्बली है। ये ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर बनी है, करोड़ों इसमें मौलाना साहब के बयान हैं, हम सब के बयान हैं, हमारी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है। ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर बनाई गई इस असम्बली के साथ अगर मुज़ाकरात होने हैं
वो तो हुए होंगे, लोगों ने कर दिए होंगे, अच्छा किया, तो इस बुनियाद पे होने चाहिए थे कि बिस्मिल्लाह आए आइन को साफ़ करते हैं, आइन को पाकिस्तान की ज़रूरियात के मुताबिक उसको ठीक करते हैं, हर इदारे को इसका पाबंद बनाते हैं। फिर यही कमेटी जो बनी है स्पीकर साहब खुर्शीद शाह की, उसमें वो कमेटी बैठ के रूल्स ऑफ द गेम्स पूरी करती और चार पाँच माह में इलेक्शन करवा दिए जाते, ये ठीक हो जाता मामला सबका। अब भी तरीका ये है, इमरान खान न कातिल है, न उसने कोई ऐसे जुर्म किया जो नाकाबिल जमानत हो। अगर ये मुल्क लोगों को अजीज है, अगर शहबाज एंड कंपनी उसके तमाम साथी ये चाहते हैं कि ये मुल्क इन बहरानों से निकले, तो उसका बेहतरीन इलाज ये है कि इमरान खान को ज़मानत पे रिहा करके सारी पार्टियों को बुला के शरीफ लोगों को सबको मिला के जजेस में से, तजारों में से, ताजरों में से, जर्नलिस्टों में से, इवन फौजियों में से हम बिल बैठ के बात करें और इस मुल्क को सही बुनियादों में जमहूरी बुनियादियों पे चलाएं। दूसरी बात वो कर रहे हैं कि जी प्रमोशन फलाना, सीधी सी बात है, मैंने इनसे बात नहीं की, ये बड़ी पार्टियों के लोग हैं, मेरे साथी हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं मसले का हल हो, बिस्मिल्लाह कल बिल ले आए, हम सब ये फैसला कर लें कि किसी भी डिपार्टमेंट में किसी को भी प्रमोशन नहीं मिलेगी, फौजी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो बला भी हो, किसी आप क्यों लोगों के हकूक मारते हैं? एक आदमी रिटायर होता है तो दूसरे का एक साल लगा रहता है, जब आप उसको वो कर देते हैं एक्सटेंशन दे देते हैं, सारे के सारे बर्बाद हो जाते हैं। हमारे चारों मार्शलाओं ने ये गलतियां करके हमारे बहुत से जनरलों को बेकार कर दिया, यही कुछ 18th अमेंडमेंट में, ये आदमी मुझे सही करेगा या इनको पता होगा, 18th अमेंडमेंट में कंसेंसस से ये फैसला था कि सीनियर मोस्ट जज विल बी द सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस। अभी उसको क्या ज़रूरत है हटाने की? इस किस्म का तमाशा अगर लोग करेंगे, हम इस गुनाह बालिज़त हो या बेलिज़त हो, हम इसका कभी हिस्सा नहीं बनेंगे, वी विल नेवर बी पार्ट ऑफ इट। और अगर हम मजबूर हुए, हम किसी को वार्निंग नहीं देना चाहते, जिस तरफ उनकी तरफ से वार्निंग आती है, अगर आइन को छेड़ा गया गलत तरीके से, पाकिस्तान इंतहाई कमज़ोर हालत में है, पाकिस्तान बहुत बड़ी तारीखों का बोझ नहीं सह सकता, लेकिन आज जो हालात हैं, कत्ल कताल हो रहे हैं, दर्जनों लोग एक दिन मारे जाते हैं दिन की रोशनी में, दुखी में, राड़ा शम में, फलाना में, एक इंसानी ज़िंदगी पाकिस्तान में बिल्कुल एक चिड़ी की ज़िंदगी से भी कम हो गई है, नोबडी स्पीक्स ऑन इट, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। इन हालात में हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं, खुदा को मानो, आए आइन को साफ करते हैं, इमरान खान को छोड़ दें, चार महीने के लिए लोग बैठें, नए गेम्स की वो कर दें, नए इलेक्शन का ऐलान कर दें, पाकिस्तान बहरानों से बच जाएगा। वरना मुझे पता नहीं है, ये शरीफ लोग बोले मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वरना जजेस में भी और वकीलों में भी बार एंड बेंचेस में इस प्रोसेस के लोग मुखालफिन हैं, तो वकील भी तारीख शुरू करेंगे, गरीब लोग भी तारीख शुरू करेंगे, उधर खैबर का जो जरगा हुआ उनकी उसकी तारीखें शुरू हो गई हैं, बलूचिस्तान में कत्ल कताल है, आप किसी के कमरों में घुसते हैं। इस बहरान के नतीजे में खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान को कुछ नुकसान हुआ, खुदा ना करे, फिर शहबाज एंड कंपनी इसके जिम्मेवार होंगे। गॉड ब्लेस यू, बस और कुछ नहीं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। जवाब नहीं करते काफ़ी।